छतरपुर के शिक्षा विभाग में पदस्थ एक बाबू रोहित खरे लगातार विवादों में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों भी उनको लेकर कुछ विवाद सामने आए थे और अब उन पर 1,00,000 रुपए से अधिक की रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाला एक रिटायर्ड बुजुर्ग शिक्षक है जो मंगलवार को जनसुनवाई में एक लिखित आवेदन लेकर कलेक्टर के सामने पहुंच गए। स्क्रीन पर नजर आ रहे इस रिटायर्ड और बुजुर्ग शिक्षक का नाम लखनलाल चतुर्वेदी है। लखनलाल चतुर्वेदी ने बताया कि उनके पुत्र महेश प्रसाद चतुर्वेदी ग्राम रानीखेरा में प्राथमिक शिक्षक के तौर पर पदस्थ थे। गांव में एक मामूली विवाद के चलते उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ और वे 2 माह के लिए जेल चले गए। जब वे जेल गए तो उनके साथ विभाग ने अच्छा सलूक नहीं किया। उन्हें वापस सस्पेंड करने या फिर ज्वाइनिंग कराने के लिए उनसे 1,50,000 रुपए की रिश्वत बाबू रोहित खरे ने मांगी और इसमें से 1,15,000 रुपए की रिश्वत उन्होंने प्राप्त भी कर ली। रिश्वत लेने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ, इसलिए अब वे कलेक्टर से अपनी रिश्वत वापस दिलाने और रोहित खरे पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आवेदन इस तरह का दिया है, मेरे बच्चे को गांव वालों ने झूठे प्रकरण में फंसा दिया था। उस प्रकरण से उस बच्चे को दो महीने तक जेल में भी रहना पड़ा। जेल के आने के पहले तुरंत ही मैंने सूचना दी थी कि मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा प्रकरण हो गया है, उचित कार्रवाई करें, किंतु कोई उचित कार्रवाई ना करते हुए बच्चा भी जमानत पर आ गया। इसके बाद कहा तो एक रोहित खरे हैं, सहायक ग्रेड 3 जिला शिक्षा कार्यालय में, उनसे बात हुई तो उन्होंने, मैंने कहा कि भैया इनको ज्वाइन करा लूँ। बोले ज्वाइन नहीं मैं करा पाऊँगा फिलहाल अभी, और ज्वाइन कराऊँगा या सस्पेंड करूँगा, आपको 1,50,000 रुपये देना पड़ेगी। हमने कहा इतना नहीं हो पाएगा, रिटायर्ड टीचर बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, और मेरी बहू भी ख़त्म हो गई, इस बच्चे की पत्नी बहुत परेशानी में हूँ। फिर भी मैंने 1,15,000 रुपये उनको करके दिया। 7 महीने हो गए, आज तक बच्चे को न ज्वाइन कराया और न सस्पेंड किया। तो क्या ये रिश्वत मांगी थी उन्होंने? हाँ हाँ, रिश्वत काय खिलाने के, हम सस्पेंड ना कर भी काय खिलाने मांगी थी? नौकरी से अलग नहीं करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे, ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइन नहीं करा पाएंगे तो सस्पेंड नहीं करेंगे, नौकरी खत्म नहीं करेंगे। पैसे दे दो आप हैं? पैसे दे दो। आज कहाँ शिकायत की है आपने? आज मैंने कलेक्टर साहब की शिकायत की है कि मेरे पैसे दिला दिए जाएँ और बच्चे को सस्पेंड कर दिया जाए या उसको ज्वाइन करा दिया जाए।